जाता है कि तुर्की का बायरेक्टर टीवी 2 नाम का जो ड्रोन है वो हम खरीद लें। आप सभी इस बात को जानते हो कि बायरेक्टर टीवी 2 नाम के ड्रोन को भी पाकिस्तान ने लिया है ताकि भारत के S-400 के खिलाफ पाकिस्तान तुर्की के हथियार का उपयोग कर सके। वेलकम बैक टू फादर एक्शन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है तुर्की के साथ और तुर्की से वो टीवी 2 डमी ड्रोन लेने वाले हैं। इस ड्रोन के बारे में आपको बताया जाए तो ये ड्रोन पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद है और पाकिस्तान ने भी तुर्की से लिया है। आज हम इस वीडियो के हम बात करेंगे कि इंडियन मीडिया इस टीवी 2 नामी ड्रोन के बारे में क्या कहता है। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के सिर्फ 2 पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हैं, क्योंकि ये पड़ोसी देश भारत की जमीन को हड़पना चाहते हैं और इसके लिए कई बार भारत से लड़ भी चुके हैं। बाकी सारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, परंतु अब भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध आगे जाकर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल आज से कई महीनों पहले यह खबर निकल के सामने आई थी कि जब भारत ने फ्रांस से राफाल लिया था तब बांग्लादेश की तरफ से ऐसी प्रक्रिया आई थी कि हमें भी अपनी वायुसेना के लिए फाइटर जेटों की आवश्यकता है, परंतु हम राफेल फाइटर जेट को नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे यूरो फाइटर टाइफून को, क्योंकि जो राफेल फाइटर जेट है वो हमारे पड़ोसी देश भारत के पास है। यानी मतलब साफ है कि भारत के पास जो हथियार है हमें या तो उससे बढ़कर ताकतवर हथियार चाहिए या फिर उसकी टक्कर का हथियार चाहिए, वही हथियार हम कभी नहीं लेंगे। और दोस्तों, बांग्लादेश की इस बात के ऊपर भारत ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि बांग्लादेश का अपना मामला है, जो चाहे वो खरीदे। परंतु अब की बार बांग्लादेश ने सबसे बड़ी गलती कर दी है और बांग्लादेश तुर्की के साथ डिफेंस डील साइन करने जा रहा है। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, वही तुर्की जो की भारत को फूटी आंखों भी नहीं देखता है। और बांग्लादेश चाहता है की तुर्की का बायरेक्टर टीवी 2 नाम का जो ड्रोन है वो हम खरीद लें। आप सभी इस बात को जानते हो कि बायरेक्टर टीवी 2 नाम के ड्रोन को भी पाकिस्तान ने लिया है ताकि भारत के S-400 के खिलाफ पाकिस्तान तुर्की के हथियार का उपयोग कर सके। और अब बांग्लादेश भी चाहता है कि तुर्की के इसी हथियार को हम खरीदें। और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पूरा आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरा आर्टिकल आप सभी पढ़ लेना। और इसी आर्टिकल के माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि बांग्लादेश चाहता है कि वह तुर्की से उसके बायरेक्टर टीवी 2 नाम के ड्रोन को खरीद ले। अब दोस्तों, से भारत को खतरा किस प्रकार से है? दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि भारत और बांग्लादेश में मित्रतापूर्ण संबंध है, और यदि बांग्लादेश का बायरेक्टर टीवी 2 नाम का ड्रोन भारत की सीमा के पास उड़ता भी है तो भारत बांग्लादेश से कुछ नहीं कहेगा, परंतु तुर्की जैसा देश बांग्लादेश को बिना बताए इसी बायरेक्टर ड्रोन के माध्यम से भारत की सीमाओं की जासूसी करवा सकता है और भारत की अहम जानकारी को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को आसानी से तुर्की दे देगा, क्योंकि तुर्की हमेशा से पाकिस्तान और चीन का ही सपोर्ट करता है और हर मामले के अंदर भारत के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। और इस बात को बांग्लादेश को भी भलीभांति समझना चाहिए कि भारत के हितों के खिलाफ तुर्की का यह हथियार कितना घातक साबित हो सकता है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सोमी, देखिए, आप लोगों ने वीडियो देखी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। एक चीज मुझे इसमें काफी इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये ड्रोन पाकिस्तान के पास भी है, टीवी 2 पाकिस्तान ने तुर्की से लिया है। इसमें ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश ये तुर्की से लेने वाला है, इंडिया को ये खतरा है कि अगर बांग्लादेश ये ड्रोन ले और इससे क्या होगा कि तुर्की फिर बांग्लादेश से ये कहलवाएगा, या ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट के अंदर ये कह सकता है कि आप हमें इंडिया के बॉर्डर के इंफॉर्मेशन दे, तो ये हो सकता है कि डील हुआ हो। और इंडिया को इसी चीज का डर है कि यार अगर ये ड्रोन तुर्की से बांग्लादेश ले ले और बांग्लादेश फिर क्या करेगा, इन बॉर्डरों का जासूसी करेगा और ये जासूसी फिर तुर्की जाएगी, तुर्की से फिर पाकिस्तान और चाइना को मिलेगा और इससे काफी खतरा हो सकता है इंडियन बॉर्डर को। इसलिए बांग्लादेश की अपनी मर्जी है, बांग्लादेश का अपना कंट्री है, इसमें इंडिया को कुछ मसला नहीं होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे लाजमी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।